श्री भगवान राम की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। फिर जनक नंदिनी सियापति की गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। श्री राम चरित मानस का सारा चरित बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम की सारी कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। क्या दुख है किसने छला नसी, वो सुग्रीव विपत का मारा और हुआ जी। बाली भ्रात बना है दुश्मन सुनो मित्र रघुवीर, राजपाट सब छीना मेरा और छीन लीना। मार पीट कर मुझे निकाला कीने अत्याचार, जान बचा कर तब से मैं गिर किष्किंधा पर रहता। बाली से मैं लड़ नहीं सकता राम कष्ट यूं सहता, बाली से सुग्रीव को लड़ने राम पठाते हैं। गदा हाथ में तान, एक ही जैसे दोनों भाई नहीं हुई पहचान। बाली ने सुग्रीव अधर कर ऊपर लियो उठाए, घुमा के फेंका बाली ने जब गिरो राम ठिंग आ। राम ने माला पहना कर फिर भेजा लड़ने को, तीर तान कर छिपे राम जी बाली बध करने को। बाली बलशाली ने नीचे लियो सुग्रीव दबार, बाली का बध किया राम ने दीनों तीर चला। राजपाट सुग्रीव को वापस राम दिलाते हैं। खोज को बानर सेना लई सुग्रीव बुलाए, जामवंत हनुमान नील नल अंगद दए पठा। हनुमान को बुला राम जी बोले ऐसे वाणी, राम नाम की मेरी मुंदरिया ले जाओ संग निशानी। राम मुंदरिया श्री जानकी को देना हनुमान, देख मुंदरिया जनक नंदिनी जाएगी पहचान। राम चरण में शीश नवा कर चल दिए सब बानर, कूदत फांदत मार छलांगत आए सागर तट पर। विशाल काया एक गिद्ध संपाति पाते हैं, श्री जनक नंदिनी सियापति की गाथा गाते हैं,
गए सबके सन्मुखवार। विशाल काया संपाति देखा सब गए घबरा। राम नाम रटते सब बानर बचाने अपनी जान। संपाति के जले पंख सब उगा दिए भगवान। सिया हरण से सिया खोज की गाथा गई बताए। गिद्धराज ने उल्लंका में सीता दई बता। जामवंत जी बोले जाओ चातुर चतुर सुजान। छलांग मार लंका की ओर उड़े चले हनुमान। बीच समुंदर सुरसा सन्मुख हनुमत आते हैं। खाऊंगी भूख मिटाऊं खाकर तुमको चैन तब पाऊंगी। खाने को सुरसा ने मुंह का बड़ा किया आकार। भीतर जाकर बाहर आए मसक रूप कपिधा। ले आशीष बड़े आगे को पहुंचे लंका द्वार। लंकन ने रोका हनुमत ने गई मुष्टिका मां। राम नाम लेकर हनुमत ने लंका किया प्रवेश। घूम रहे लंका नगरी में मच्छर सा धर भेष। राम के भक्त विभीषण के घर में घुस जाते हैं। रच हुआ महान। लंका में भी राम भक्त है मौसम चतुर सुजान। जाकर मिले विभीषण से कप और प्रणाम किया। सिया मात का राम भक्त ने सारा पता लिया। अशोक वाटिका के अंदर जो जा पहुंचे महावीर। अशोक वृक्ष पर छुप कर बैठे राम भक्त बलबीर। राम नाम की मुद्रा कर में लीनी तुरत निकाल। सिया मात के आगे मुद्रा दीनी नीचे डाल। अचरज में माँ पड़ी सिया तब सन्मुख आते हैं। पता बता। खोज तुम्हारी करने आया भेजा है रघुवर ने। राम तुम्हें लेने आएंगे दुष्ट न पाए बचने। बोली माता राम से कहना हाल मेरा बेहाल।
जल्दी से ले जाए रघुबर रख मेरा जो ख्याल। तू रमण सीता ने अपनी दीन कपी के हार, ले जाओ पहचान बुलेंगे पवन पुत्र रघुनाथ। करुणा हुए महावीर नयन से नीर बहाते हैं, फिर दिया सिया को हनुमान हर्षा। हनुमत बोले मात सिया से भूख रही तरसा, बोली सीता माँ बागन में फल खाओ तुम जा। आज्ञा पाकर घुसे बाग में महावीर बलराज, फल कुतरे सब तर बर तोड़े दीने वृक्ष उखाड़। नेस नेस सब कर फुलवारी दीनों बागू जा। दशा देख बगिया की दौड़े सबरे चौकीदार, पूछ घुमा कर कपि बानर ने दीने सभी पछा। अक्षय लड़ो कपि से आकर स्वर्ग पठाते हैं, लंकापति के पास दूत एक जान बचा कर आयो। अक्षय मरण हाल बगिया को सन्मुख सभी बतायो। अशोक वाटिका बगिया का सब हाल किया बेहाल, उत्पाती एक बानर आया बल में बड़ा विशाल। समाचार सुन लंकापति के उड़ गए सबरे होश, आग बबूला हो गया रावण तन में लाया रोष। ले तलवार चला रावण तब मेघनाथ गया, रुको पिताजी मैं लाता हूँ बानर को बंधवा। ब्रह्म पास में मेघनाथ हनुमान को लाते हैं, कपि को लंका में प्रवेश। हनुमान को दिया मारने रावण ने आदेश, तभी विभीषण उठकर बोले रुक जाओ लंकेश, किसी दूत को नहीं मारते लंकापति नरेश। बानर ने उत्पात किया जो दीना बता पाए, लता लपेटो पूछ मैं उसकी आग लगा दी जा। लता लपेटी जैसे जैसे दीनी पूछ बढ़ाए, तेल डाल कर तुरंत पूछ मैं दीनी आग लगा। करके लंका दहन हनुमत पूछ बुझाते हैं, we'll be right back।
माँ से आज्ञा लेकर किसकिंधा गया, चूरा मर गई दिखा राम को दीनों हाल बता। हनुमान को गले लगाकर राम भैया जी, सीता की सुन खबर बिलखते नयन बहते नी। आत्मर करने लंका पर कर दीनी तैयारी, सुग्रीव की आज्ञा पाकर चल दी सेना सारी। जामवंत नल नील हनुमत अंगद सा बलवान, चले लखन कर धनुष उठाकर रामचंद्र भगवान। कूदत फांदत सब बानर सागर तट आते हैं, श्री राम ने जब की ना प्रस्थान। इष्ट देव की पूजा करने चुना वही स्थान, बालू मिट्टी से भोले की पिंडी लई बनाए, पूजन करने लता फूल फल लीने बेग मंगा। सागर का जल राम चढ़ाते और चढ़ाया चंदन, श्री राम ने महादेव का किया प्रेम से पूजन। करे अर्चना इष्ट देव से ध्यान लगा कर रघुबर, राम रूप से श्री राम को दर्शन दिखाए शंकर। उसी समय से रामेश्वर महादेव कहते हैं, करते बिने पुकार। रास्ता मांग रहे सागर से सब जग के करता, आठ दिना तक श्री राम ने किया समुद्र आहार। आया क्रोध लखन तब बोले दुष्ट करे अभिमान, नीर सुखाओ तीर से रघुबर दो अभिमान घटार। क्रोध में आकर श्री राम ने लीना बाण चढ़ा, बाण के भय से तुरंत समुंदर वहां पर प्रकट हुआ। क्षमा करो हे रघुबर मुझको जो भी कष्ट हुआ, श्री राम को देव समुंदर यतन बताते हैं। प्रभु समाधान, दो बानर नल नील न पाया ईश्वर से वरदान। लंका तक जाने को मार्ग बन जाए आसान, तैरेंगे नल नील जो छोड़े पानी में पाषाण। राम राम लिख लिख के पत्थर सब दीने तेरा,
हाथों से नल नील ने अपने सेतु दयो बना। चले चढ़ाई करने रघुवर लंका में गया, लंका में रघुवर ने आके तेरा दय जमा। शांति दूत बना अंगद को राम पठाते हैं, शांत उपदेश। सीता को तुम वापस कर दो लंकापति लंकेश, क्षमा तुम्हें कर देंगे भेजा रघुवर ने संदेश। सुन अंगद के बोल क्रोध में भड़क गया रावण, इस बानर को फेंको बाहर दिए दूत भाषण। भरी सभा में अंगद बोला हो कोई बलवान, पैर हिला दे आकर मेरा समझू से महान। भरी सभा में अंगद अपना पैर जमाते हैं, सबके छूटे हिला सके ना पां। हिम्मत हार गए अंगद से बड़े बड़े बलवान, भरी सभा में जब रावण का हुआ बहुत अपमान। पैर हिलाने सिंहासन से स्वयं हुआ तैयार, बोला अंगद रुक जा रावण बढ़ना मत अगा। मेरे पग में ब्राह्मण तेरा झुकना है बेकार, श्री राम की शरण चला जा हो तेरा उद्धार। तभी विभीषण रावण को उठकर समझाते हैं, बढ़ाओ बैर। सीता को तुम वापस कर दो नहीं जान की खैर, क्षमा तुम्हें कर देंगे रघुवर मती बनो अनजान। जान की लेवा बनी जान की मती गवाओ जान। बात अनुज की सुन रावण का जला क्रोध से गात, कायर कपटी दुश्मन कहकर दई विभीषण ला। मुँह काला तू कर जा यहाँ से जा दुश्मन के पास, अनुज विभीषण को रावण ने दिया महल से त्रास। रामा दल में आए विभीषण मेल बढ़ाते हैं, श्री जनक नंदिनी सिया पति की गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं।
श्री राम के सभी कड़ी दरमियान। बानर सुग्रीव जामवंत संग अंगद और हनुमान, सेनापत चुन जामवंत से बोले राम भगवान। करो चढ़ाई लंका पे सब लेकर गदा कमान, शंख फूक कर श्री राम ने कर दिया ऐलान। रावण की सेना से जाकर युद्ध छिड़ा घमसान, अस्त्र शस्त्र ले जमा समर में मेघनाथ बलवान। राम की आज्ञा लक्ष्मण पाकर लड़े धनुष ले बाण, कीना युद्ध समर में मारा मार मचाते हैं। मेघनाथ से लखन ने जाकर युद्ध किया घनघोर, बार पे बार करे दैतों पर लखन बाण तंको। पानर सेना और असुर में है रही मारा मार, युद्ध देख कर तिहु लोक में मच रही हाहाकार। मेघनाथ के रणभूमि में विपल किए हर बाण, लखन को शक्ति मेघनाथ लग हुआ बहुत हैरान। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का दीना बाण चलाए, लगा ही आमे बाण लखन को गई मोरछा। उठा लखन को रामा दल में हनुमत लाते हैं। देख कर लखन लाल की राम गए घबराए, उठो लखन क्या हो गया तुमको रोते निर्बाह। पहला दुख सिया का मुझ पर दूजा दुख तुम्हारा, बिना तुम्हारे कोई दिखे ना लक्ष्मण आज सहारा। हंसी खुशी से अबधपुरी से आए लखन तुम साथ, जाकर के क्या उत्तर दूंगा पूछ सुमित्रा माँ। अवध में जाकर किस किस को मैं अपना मुँह दिखलाऊं, तेरे गम में लक्ष्मण भैया मैं भी जान गवाऊं। सुषेण वैद्य को लंका से इत हनुमत लाते हैं। नबज लखन की देख वैद ने कहा मत घबराओ, भरने गाओ सजीवन बूटी जाए तुरंत मंगाओ। सूर्य उदय होने से पहले बूटी लेकर आओ, हनुमान से रघुबर बोले द्रोणागिर पर जाओ। सुषेण वैद रघुबर से बोले सुनो बात धर ध्यान,
आए बूटी रात रात ना लखन के बचने प्राण। शक्ति लगी लखन को भारी दबा सभी बेकार, बिन बूटी के कर नहीं सकता लक्ष्मण का उपचार। लेने बूटी दोना गिर पे हनुमत जाते हैं, चले हनुमान। द्रोणा गिर जाकर बूटी की कर न सके पहचान, सारी बूटी हनुमान को लगती एक समान। पड़े सोच में मुश्किल मेरी हो कैसे आसान, कीनी कपने बाँ चतुराई जटिल समस्या तार। रामा दल में हनुमत लाए द्रोणागिरि ओखा, संजीवन से वैद लखन का करन लगे उपचार। राम राम के उठे लखन तब होने लगी जयकार, राम लखन दो गले मिले वानर हर्षाते हैं। मेघनाथ का वध करने को लखन क्रोध में छाए, धनुष बाण ले गुस्से में फिर वो रण भूमि आए। एक बाण से भुजा काट कर दीने महल गिरा, बाण दूसरे से सर काटो गिरो राम पगला। भुजा पति की देख सिलोचन नार गई घबरा, भुजा से पूछा लिख कर सारा हाल दिया बकला। रोबत रोबत गई सिलोचन रामा दल के बीच, राम से मांगा दे दो रघुवर मेरे पति काशी। पति संग भई सती सिलोचन ग्रंथ बताते हैं, सुलग उठा प्रतिशोध। काल समान हुआ लंकापति तन में ज्वाला को, लंकापति ने कुंभकर्ण को सोते से जगवाया। मेघनाथ का बदला लेने रणभूमि भिजवाया, कुंभकर्ण ने रणभूमि में जाकर करी तबाही। बानर सेना पकड़ पकड़ के मारी और भगाई, राम ने देखी कुंभकर्ण की काया बड़ी विशाल। टुकड़े टुकड़े करे बदन के गर्दन करी हला, कुंभकर्ण बध कर रावण के होश उड़ाते हैं। जय पुरुषोत्तम।
वेश बदल कर रामा दल में अहिरावण भी आया। राम लखन को उठा दुष्ट पातालपुरी में लाया। राम लखन का हनुमान ने जाकर पता लगाया। महाबली ने अहिरावण को गदा से मार गिराया। कुल का बदला लेने रावण रणभूमि में आया। ज्ञान और शक्ति के बल से रघुबर को दहलाया। तभी विभीषण ने नाभि में अमृत दयो बता। दुर्गा माँ को सुमिर राम ने दीनों बाण चला। 20 भुजा 10 शीश बाण से राम उड़ाते हैं। जय श्री पाई रघुबर ने हो रही जय जयकार। रावण कुल का श्री राम ने कर दी ना उद्धार। रावण के बंधन से प्रभु ने मुक्त कराई सिया। बानर सेना सब हर्षाई और सिया के पिया। देखा जब सिंहासन सुना सूझा राम पाए। राजा बनो विभीषण को यूं काम रहे समझा। बिना तुम्हारे कौन संभाले इस लंका का राज। गद्दी पर बैठा विभीषण रखा शीश पे तार। मित्र विभीषण को लंका का भूप बनाते हैं। पवित्र पावनी पाने सीता रघुबर ने परचाई। जनक नंदिनी श्री राम ने अग्नि बीच बिठाई। श्री राम रघुबर की कैसी अजब निराली दीक्षा। मात सिया की लई राम ने अग्नि बीच परीक्षा। पवित्र पावनी सिया राम ने सीता उत्तम पाई। ब्रह्म मिटा कर श्री राम ने संग सिया अपनाई। बानर सेना चली पिछारी लखन सहित हनुमान। संग सिया के किया राम ने अवधपुरी प्रस्थान। 14 वर्ष बिता कर पूरे अवध में आते हैं। रघुबर लौट अवध में खुशी भय नर नार। घी के दिए जले घर घर में हो रही जय जयकार। राम प्रवेश हुए महलों में झलक उठा परिवार। तीनों माता हिया लगा के करने लगी दुलार। कर तैयारी राज तिलक की विश्वामित्र बुलाए।
हंसी खुशी से अनुज भरत ने राजा राम बना। राम राज हो गया अवध में, हो गए राजा राम। डोल लंगाड़े पिटे अवध में, खुशियां भई तमाम। लिखते हैं गजराज कथा ये संजय गाते हैं।